इमरान खान साहब जो है वो अंदर खाते क्या क्या कर रहे हैं हमें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अभी कुछ पता चला है कि इमरान खान साहब ने 21 बिलियन डॉलर की सपोर्ट मांग ली है चाइना से, जिसमें तकरीबन 10.735 बिलियन डॉलर की रोल ओवर, यानी कि जो एग्जिस्टिंग लोन्स हमारे पास थे उनके रोल ओवर की रिक्वेस्ट कर दी है, और 10 बिलियन डॉलर एज ए डिपॉजिट फंड जो है वो जमा कराने की चाइना को रिक्वेस्ट की है। आप देखिए ये कितना बड़ा पैसा है, बारो बार है ले जा रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं, 6 बिलियन डॉलर का आईएमएफ का प्रोग्राम था, 3 बिलियन डॉलर हमने जीसीसी से लिए हुए थे, और फिर उसके बाद हमने 3 बिलियन डॉलर जो थे वो हमने सऊदी से लिए हुए थे। अब ये जो 21 बिलियन डॉलर हम मजीद, जिसमें से 10-11 बिलियन डॉलर जो रोल ओवर हो गया, मजीद 10 बिलियन डॉलर हम मांग रहे हैं किस लिए कि जनाब हमें दें, हमारे जो बैंक हैं वो खाली हो गए हैं, हमारा जो जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो तबाह हो गए हैं। इमरान खान साहब ने रिसेंटली इधर मारी हैं शोखियां और कहा है कि मैं आपको 20-25 रुपए आपको पेट्रोल कम दूंगा। एक तरफ शोखियां मारती हैं हमारी लीडरशिप और कहती है जनाब कि जो है वो कम हो गया है, हमें सस्ता तेल बेचना है, दूसरी तरफ कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं। या तो आप अगर आवाम को देना चाहते हैं रिलीफ, बिल्कुल देना चाहिए, आप इलेक्टेड गवर्नमेंट हैं, आपका काम है रिलीफ देना, बट दैट डज नॉट मीन कि दुनिया से कर्जे ठग ठग के ले आए और कहें जनाब कि ये हमें जो है वो ये कर्जे दें। अब पाकिस्तान की आपको पता है कि ये 23वां IMF का प्रोग्राम था, पाकिस्तान के पास 23वां IMF का प्रोग्राम था, 230 मिलियन यानी कि कोई 23-24 करोड़ को हम मुल्क आबादी है, हम हर रोज जो है वो लोन मांग रहे हैं, हर रोज हम लोन मांग रहे हैं। ऑलरेडी जो चाइना के 10.4 बिलियन डॉलर के सेफ डिपॉजिट्स और कोई 6.735 बिलियन डॉलर के जो कमर्शियल लोन थे वो उनका मेच्योरिटी का टाइम आ गया है, ठीक है जी, और कोई 2 बिलियन डॉलर की और इनकी मेच्योरिटी 23 मार्च 2020 को हो रही है और उसकी भी रिक्वेस्ट इन्होंने भेज दी हुई है। अब ये है कि ये अब आप ये समझ लें कि ये जो इमरान खान साहब वहां पे गए थे, चाइना गए थे, ये तो कोई लंबी गेम करने गए थे, हम तो 3 बिलियन डॉलर का समझ रहे थे कि 3 बिलियन डॉलर लेने गए हैं। अब यह है कि पाकिस्तान ने जिस तरह मैंने कहा कि 10 बिलियन डॉलर का डिपॉजिट फंड मांग लिया और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तकरीबन 15 बिलियन डॉलर की करेंसी स्वैप अरेंजमेंट भी जो है वो चाइना के साथ कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप देखें कि जो IMF है उसके साथ भी हमारी मामला जो है वो कोई इतने बेहतर नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह इमरान खान साहब सब्सिडीज दे रहे हैं, सब्सिडी पर सब्सिडी दे रहे हैं, ये मामला जो है वो ठीक होंगे। और दूसरा आपको ये पता है कि जो चाइनीज हैं वो एक चीज पसंद करते हैं, सिक्रेसी। चाइनीज ये पसंद करते हैं कि जो भी करना है अंदर खाते साड़ना बह के कर लो, बाहर आके कुछ बात आप नहीं करेंगे, और सारी हुकूमतें पाकिस्तान की इस बात पे एग्री करती हैं। और मजे की बात है इतनी सियानी हुकूमतें हैं हमारी कि अंदर जो तय करती हैं बाहर आके बताती नहीं है, और फिर जो अपोजिशन में भी चले जाए तब भी नहीं बताती क्योंकि उनको पता है हमने हुकूमत में आना होता है। अब वो ये देखें लॉन्ग टर्म खिलाड़ी हैं सारे, वो चाइनीज भी लॉन्ग टर्म खिलाड़ी हैं, इमरान खान साहब भी अब सियाने हो गए। इमरान खान साहब ने आते पहले तो CPAC बंद करवाया ना एक दफा, और कहा मैं देखना वहां के चाइनीज किस तरह हमारी सॉवरेनिटी पे, हमको गुलाम है चीन के। अच्छा, ये मजे की बात है, इमरान खान साहब ये बड़ी जल्दी नारा मार लेते हैं, हम कोई गुलाम है तुम्हारे यूरोप के। अच्छा, चीनी क्या करते हैं, वही गुलामी अंदर बंद कमरे में करवाते हैं और कहते हैं बाहर जाके बताना भी नहीं है, तो हम कहते हैं ठीक है सर कोई बात नहीं है। अरबी भी इसी तरह करते हैं, वो TV पे आके कोई बात नहीं करते और ना ही वो कुछ स्टेटमेंट जारी करते हैं। यूरोपियंस का और अमेरिकन का ये है कि ये जरा ज्यादातर बातें बाहर करते हैं, अंदर भी बहुत कुछ करते होंगे जाहिर बात है, लेकिन वो कहते हैं यार ठीक है, खाता सही है कि चीनी और अरबी जो है वो हमारे साथ अंदर में यस करा लेते हैं और हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलते और हम उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते, तो कभी हम नहीं कहेंगे हमारी सॉवरेनिटी, हमारी इंटेग्रिटी खा गए सऊदीज, हम चीनियों ने हमारी सॉवरेनिटी को तबाह करके रख दिया। हम सिर्फ एक ही कहेंगे, ओ अमरीका, ओ चाइना, ओ यूरोप, ओ तुम हमारी सॉवरेनिटी खा गए हो, आप लोगों को हम आपके गुलाम है। और उधर चाइना में क्या आप ये 10 अरब डॉलर की, ये जो 11 अरब डॉलर 11.5 अरब डॉलर का रोल ओवर मांगा है और 10 बिलियन डॉलर का डिपॉजिट मांगा है, तो ये किस चक्कर में मांगा हुआ है? इधर क्या सॉवरेनिटी आपकी नहीं गई? इधर आपके उन्होंने अंदर आपको क्या उसी वक्त कह दिया होगा, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर सिंस यू आर विजिटिंग बीजिंग ऑन विंटर ओलंपिक्स एंड दिस इज अ गिफ्ट ऑफ सो एंड सो बिलियन डॉलर्स
for a cash deposit, and we also give you a rollover facility of $11 billion. So, Mr. Prime Minister, we appreciate you came here, aur aapke aane ki humne aapko $21 arab ka de diya. Udhar wo jo Sri Lankan hai, wo mang rahe the pata nahi kitna, $4 arab ke kitna, wo keh rahe the ki hame uski facility de de, extend kar de, koi is tarah ko rollover ka mang rahe the. Mera khayal hai unko diya ki nahi diya unhone. So the point here is कि ये जो पाकिस्तानी जो एम्बेसडर हैं चीन में, उनको कहा गया है कि यार ये जो चीजें हैं ये करो, और ये हमारी प्रॉब्लम है कि हमारे जो एक्सटर्नल लोन्स हैं, आपको पता है दोस्तों, वो भी धड़ाधड़ बढ़ी जा रहे हैं. अब आप मजे की बात यह है कि हमारी हुकूमतें पता तो लगने नहीं देती. अब ये इतना तो मुझे पता है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का जो टोटल बजट है, जो लोन है, वो तकरीबन GDP के 83-84% के करीब चला गया हुआ है. कई दोस्त कहते हैं जी 50 ट्रिलियन कर्जा हो गया, कोई कहता है जी 40 ट्रिलियन कर्जा हो गया, कोई कुछ कह रहा है डिफरेंट इस हवाले से जो है वो स्टैटिस्टिक्स आती हैं. और लेकिन सिर्फ यही है कि जिसे कहते हैं ना कि एक शर्मिंदगी की बात यह है कि अभी जो इमरान खान साहब के टेन्योर में तकरीबन मेरा ख्याल है कोई एक लाख तीस हजार मिलियन US डॉलर हमने कर्जा ले लिया हुआ है.